Hello students, today we will study ES of standard 5th, chapter number 8, science of kitchen. Last lecture में हमने study किया था कैसे solar cooker में food हम prepare करते हैं और कैसे वो हमारे लिए nutritious food होता है. Okay, then we will study हमको क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, healthy food वगैरह, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. नाउ वी विल स्टडी ऑफ टेस्ट ऑफ फूड. हाउ मेनी टेस्ट इज, कितने टेस्ट होते हैं हमारी लाइफ में, कितने हमने देखे हैं. तो ये मेन टेस्ट वो जो है वो सिक्स टेस्ट है. सिक्स कौन से मेन है, स्वीट, सॉल्टी, सॉफ्ट, पंगेंट, एस्ट्रेंजेंट एंड बीटर. स्वीट मीन सभी को पता है मीठा होता है, सॉल्टी खारा होता है, सॉल्ट इट मीन्स खट्टा है, पंगेंट इट मीन्स कुछ स्पाइसी टाइप, एस्ट्रीजेंट इट मीन्स जिसको आप पूरा बोलते हो, है ना, पल्सेस वगैरह खाते हो उसमें आपको कोई टेस्ट नहीं लगता है, उस टाइप के टेस्ट को बोलते हैं एस्ट्रीजेंट. एंड बीटर इट मीन्स कड़वा, जो करेला वगैरह खाते हो उसको टेस्ट कड़वा लगता है ना, उसको बोलेंगे हम बीटर. ओके, तो ये सारे टेस्ट है जिसको खाने से हमारी हेल्थ प्रॉपर क्वांटिटी में खाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. और कितने सारे हमने इसके यहाँ पर लिखे हैं, स्वीट टेस्ट किस किस में मिलेगा आपको, जगेरी, शुगर कैन, सॉल्ट, लेमन, टोमेटो, टैमरी, कौन कौन से फ्रूट्स खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं वो आपको सभी को पता है, स्पाइसी, चिली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, काली मरी होती है ना, क्लव, लविंग, है ना, इन सभी को स्पाइसी होता है, ये सभी तीखा लगता है आपको. एस्ट्रीजेंट इट मीन्स टर्मरी, पल्सेस, बीटल नट, ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं एस्ट्रीजेंट. देन है बीटर फेनोग्रीक, मेथी खाते हैं ना आप लोग, मेथी कड़वी लगती है, फेनोग्रीक, बीटर गॉर्ड, कारेला, ये सारे बीटर होते हैं, इसके लिए इनको बीटर टेस्ट होगा इनका. ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, इसके थ्रू आपको स्टडी करना है, प्रॉपरली ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करना है. ओके, देन वी आर स्टार्ट लेसन 20. मेनी स्पाइसेस आर यूज टू प्रिपेयर फूड इन द किचन, सॉल्ट, चिली, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनोग्रीक, मस्टर्ड, जगेरी, टैमरिंड एक्सेट्रा. आर अमंग दीज स्पाइसेस सच कंपोनेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हेल्थ. There is some scientific approach related to each of these components of the kitchen. This information is very important to. Many spices are used to prepare food in the kitchen. Salt, chili, turmeric, cumin, fenugreek, mustard, jaggery, tamarind, etc. And among these spices, such components are very important for our health. There is some scientific approach related to each of these components of the kitchen. This information is very important to us. Okay? ये सारे जो टेस्ट है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही गुड होते हैं. तो ये हमको प्रॉपर क्वांटिटी में सारे टेस्ट हमको लेने चाहिए जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो. Let's identify the spices based on its taste. Six tastes don't include my name, yet no taste without me is my tall clan. क्या है वो वाला टेस्ट, इसका है पजल है ये टाइप की, तो ये है टेस्ट स्वीट. जगेरी, शुगर, शुगर क्यूब, शुगर कैन एंड नेचुरली राइपन फ्रूट्स आर स्वीट थिंग्स. वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्वीटनेस. देन नेक्स्ट है, आई एम मिस्टर सॉल्ट, ग्रीनी टेस्ट is my fame, king of every kitchen, famous by this name. Okay, salt सभी के लिए जरूरी होता है, अगर हमारे खाने में salt नहीं हो तो हमको वो tasteless लगता है. Okay, salty taste is mainly provided by salt. Do you know it? You all know it ना, कि salt डालने से ही हमको taste salty मिलता है. The food is tasteless without it. During fever, and cloth soaked in salt water is kept on the forehead to reduce fever. बहुत ज्यादा फीवर होने पर
वार्म वाटर में, सॉइल की वाटर में अगर क्लॉथ डालकर हैंडकरचीफ में डालकर हमारे सर पर रखा जाता है तो उससे फीवर हमारा चला जाता है. अ थॉट ऑफ मी सीजर्स योर टंग एंड लुक हाउ माउथ वाटर स्वीट एंड सॉर इज माई टेस्ट यमी जूस वन लव एंड स्लर्प. ये सॉर टेस्ट होता है. ओके, सॉर जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमन, टोमेटो, टैमरिंड, कुकुम, आमला, रो मैंगो एक्सेट्रा. सॉर टेस्ट हेल्प्स इन डाइजेस्ट ऑफ फूड. यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क आफ्टर हैविंग मिल्क. बटर मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, ये सॉर टेस्ट है. बटर मिल्क मीन्स छाछ आप सभी खाना खाने के बाद पीते हैं जिससे फूड डाइजेस्ट होने में हेल्प होती है. और जस्ट कोरोना के टाइम पर सभी को सॉर फ्रूट्स खाने चाहिए ज्यादा, जिससे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी भी बढ़ती है. तो फ्रूट्स कौन कौन से हुए, बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं सॉर. पाइनएप्पल है ना, ऑरेंज, लेमन जूस, ये सारे आप पी सकते हैं, यूज डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स, आई एम नोन एज चिली. कीपिंग योर टंग स्टिंगिंग स्पाइसी टंगी इज माई एबिलिटी. कौन सा टेस्ट हुआ ये, चिली है ना, तीखा. स्पाइसी टेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, चिनेमन, क्लव, व्हाइट पेपर एक्सेट्रा. स्पाइसी स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गन, सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, बट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड इज हार्मफुल. ओके, स्पाइसी फूड खाना चाहिए लेकिन टू मच खाने से वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हार्मफुल होता है. नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रिस्प, हेल्प रीड ऑफ कॉफ एंड बेस्ट टेस्ट मकस, आई एम द बेस्ट. कौन सा टेस्ट है ये, एस्ट्रीजेंट टेस्ट, टर्मरिक. टर्मरिक में होता है ये, कफ वगैरह में दूध, हल्दी वाला दूध मम्मी पिलाती होंगी आपको है ना, जिससे कफ और कोल्ड में अच्छा लगता है. एस्ट्रीजेंट टेस्ट रिमूव्स स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम आर बॉडी. मैंगो सीड्स एंड बीटल नट आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर एंड रिमूव द स्टिकनेस फ्रॉम आर माउथ. माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज करते हैं मैंगो सीड्स और बीटल नट को. पीपल जस्ट स्पीट मी आउट बट वेन सिक गर्ल एंड बुबल नो माई वर्चुअल फॉर हेल्दी लाइफ बीटर टेस्ट इज नो वन. सभी को बीटर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है. बीटर टेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेनुग्रीक, बीटर कॉर्ड एक्सेट्रा. द नीम इज ऑल्सो बीटर इन टेस्ट. द बीटर जूस एक्टिवेट्स आर हंगर, इट हेल्प्स टू कीप आर बॉडी डिजीज फ्री. है ना, बीटर टेस्ट खाने से, बीटर चीजें खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छी होती है और जो भी हमारी हंगर को बढ़ाती है, भूख को बढ़ाती है. ओके, अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस के बारे में ये टेबल बनी हुई है. तो यहाँ पर आपको ये स्पाइसेस लिखनी है, इनके कलर्स लिखने हैं, इनके टेस्ट लिखने हैं. ये सारा जो हमने अभी पढ़ा है पेज, उसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, उसमें से ही आपको कॉपी करना है. देन द इंग्रीडियंट्स यूज्ड इन द किचन प्रोवाइड्स टेस्ट, फ्लेवर एंड अरोमा टू आर बॉडी, टू आर फूड. दे आर नोन एज एपिटाइट एंड हेल्थ स्टिमुलेट. ओके, ये हमारी बॉडी को एपिटाइट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं. जैसे अभी यहाँ पर ये टेबल है, इसके थ्रू आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में यहाँ पर लिखना है, एंट्री फिल करना है बॉक्स, देन राइट द क्वेश्चंस आंसर. विच टेस्ट आर लाइक्ड यू बाय यू, कौन सा टेस्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो आपको यहाँ लिखना है. देन विच डिशेस, सबसे ज्यादा कौन सी डिशेस आपको पसंद है उसके बारे में लिखना है. एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. ड्यू टू दिस देयर इज रैपिड इंक्रीज इन द पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज. अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ आर कंट्री प्रॉपर यूज ऑफ टेस्ट एंड स्पाइस शुड बी मेड. ओके, ज्यादा बहुत ज्यादा ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, स्वीट फूड खाने की वजह से
यहाँ पर हार्ट अटैक और डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमारे कहा जाता है कि हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड मतलब सारे टेस्ट खाना है लेकिन प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा यूज करना हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे जो किचन के हमारे स्पाइसेस हैं वो बहुत सारे हमारे नॉर्मल जो डिजीज होती है उसमें यूजफुल होता है। ओके, तो ये आपको अपनी मम्मी की हेल्प से टेबल कंप्लीट कर देना है। ओके, जैसे स्नीजिंग कोल्ड कफ है तो उसमें हल्दी वाला दूध पीते हैं, उसमें जिंजर वाली चाय पीने से सर्दी कफ ठीक होता है, देन हल्दी एंड टर्मरिक एंड सॉल्ट का पेस्ट लगाने से स्वेलिंग वाली जो स्पेस रहती है वहां पर रिलीफ मिलता है, टीथ में एक होता है टीथेक होता है तो वहां पर क्लव वगैरह का यूज करने से टीथेक अच्छा होता है ठीक हो जाता है। ओके, इस टाइप से बहुत सारी स्पाइसेस हमारे नॉर्मल जो डिजीज होती है उसमें यूजफुल होती है। ओके, ये लेसन अब हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ओके।